धन्यवाद देना चाहिए कि उसकी करुणा हमारे ऊपर है कि आज हम उसके भवन में आराधना कर पा रहे हैं, उसकी हम सना कर पा रहे हैं, उसकी तारीफ कर पा रहे हैं। वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख सके। इसे हमें नहीं मालूम कि आपको कुछ जानकारी है या नहीं है कि हमारे खतौली मेथोडिस्ट चर्च कलीसिया के अंदर हमारे एक परिवार की डेथ हो गई है, और पता नहीं मेरे को आप लोगों को जानकारी है या नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि मिस्टर जयवंत के बड़े भाई मिस्टर जोएल, उनकी डेथ हो गई है। रहने वाले तो यहीं के थे और फिलहाल मेरठ में हैं। सैम को जानते हो कि आप लोग, उसके पापा की डेथ हो गई है कल रात में। ये बड़े दुख की बात है, और इसी बात को मैं आपको बताना मांग रहा हूँ कि हमें नहीं मालूम कि हमारे पास जिंदगी कब तक की और कितने दिनों की है। मेरे को पता चला कि बेचारे वो बैठे हुए थे और अचानक से उनका हार्ट फेल हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ, उनकी डेथ हो गई। ये दुख और अफसोस है। इससे पहले कि हम लोग आराधना में जाएं, हम उनको प्रार्थना में याद रखेंगे कि परमेश्वर उस शोकित परिवार को शांति दे, तसली दे, और उसके बाद हम लोग आराधना में आगे बढ़ें। आइए हम सब अपनी आंखों बंद करें, दुआ करें। जीवित और समर्थ पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, खासतौर पर आपके तमाम आशीषों के लिए जो आप हमको देते हैं। लेकिन इस वक्त प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं मिस्टर जोएल के लिए, जिनको कि प्रभु आपने कल रात में अपने पास बुलाया। ये बड़े दुख की बात है कि प्रभु वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन खुशी की बात है इस बात की कि प्रभु वो आपके पास नहीं है, हमारा विश्वास है। हम दुआ करते हैं प्रभु की पत्नी, उनके बच्चे सबके साथ उनको समाजी कर पिता, उनको साहस और उनको ढांढस दीजिए, और पिता वो जीवित आशा जो उनके पास में कलाम के माध्यम से प्राप्त होती है वो उनके अंदर प्रभु चलती रहे, और उससे वो प्रभु अपने आप को संभाल सके। और उनके अजीज और रिश्तेदार उन सबको भी प्रभु समाजी सुरक्षा प्रदान करिए। हमारा विश्वास है प्रभु आप प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है, आपके दुआओं को सुन गया है, बड़ी बरकत दीजिए उस परिवार को, समाजी का करना है। जब आज अंतिम क्रिया की आराधना होती है तो उस आराधना में प्रभु हर एक चीज अच्छी तरीके से हो सके, मौसम को सुरक्षित और संभाल के रखना, बारिश ना हो ताकि प्रभु टाइमली उनका फिनल हो सके। आप दया करेंगे तो हर एक चीज के द्वारा महिमा से प्राप्त होंगे। जीवन और मृत्यु प्रभु आपके हाथों में है, इसलिए प्रभु हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं और आपको थैंक्स कहते हैं कि प्रभु अभी तक हम जिंदों की जमीन में हैं, तो मेरे पिता परमेश्वर हम मिलकर के आपके नाम की हम दरा की सना करें। धन्यवाद प्रभु आपकी प्रार्थना को सुना, हमारी आराधना में आप हमारे अगुआ हमारे मदद का पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, यीशु के नाम से हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं इस बात को फिर से बोल रहा था कि हम परमेश्वर को थैंक्स कहें इस बात के लिए कि हम अभी जीवित हैं ना, अभी इस सांसें अभी हमारे पास में हमारे अंदर है। परमेश्वर को थैंक्स कहें कि परमेश्वर ने हमको और आपको सुरक्षित रखा एक लंबी आयु प्रदान करें। परमेश्वर की तारीफ करें, उसकी इबादत करें सच्चाई के साथ में और रूह और अस्थी के साथ में, ताकि हम परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें, मिल करके उसके नाम की आराधना करें। अपने आंसुओं से मैं धोऊं तेरे चरण, अपने आंसुओं से मैं धोऊं तेरे चरण, अपने बालों से मैं पोछूं तेरे चरण, अपने मोती से भी खूबसूरत है तू, मेरे
I'm not afraid to die.
दुनिया तुमको टुकड़ा दे, इंसान तुमको टुकड़ा दे, अपना तुमको टुकड़ा दे, और बच्चे टुकड़ा दे, पत्नी टुकड़ा दे, पति टुकड़ा दे, माँ बाप भी टुकड़ा दे। बाइबल कहती है यदि आप सच्चे और प्रभु के साथ में जुड़े हुए हो तो बाइबल इस बात को बताती है हमको कि वो कभी नहीं टुकड़ा को वारिस बनाएगा। आमेन। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि हम उसके वारिस बने कि संसार की चीजों के वारिस बने। महत्वपूर्ण ये है कि हम उसके वारिस बने। आमेन। क्योंकि हमें मालूम है मरना तो सबको है, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मरेगी नहीं, सब मरेंगे। दुनिया को कोई ऐसे इंसान की जो नहीं मरेगा, सब मरेंगे। इसलिए जब मरना ही है तो उसके वारिस बनो ना जिसकी जिंदगी ऐसी है जिसको आप हजारों हजार साल जियोगे लेकिन फिर भी मृत्यु नहीं आएगी, क्योंकि उसके राज्य में मृत्यु काम नहीं करती। आमेन। उसके राज्य में मृत्यु काम नहीं करती। मृत्यु को तोड़ करके, उसके बंधनों को तोड़ करके, उसके बंधनों को स्वतंत्र किया, बंधनों को आजाद किया। इसलिए आजाद करने वाले परमेश्वर के वारिस बन करके रहना चाहिए और रहने के लिए अपने आप को तैयार करें। इसलिए सच्चाई को और सत्यता को अपने साथ में रखें ताकि एक अच्छी जीवन जी, थोड़े समय की खुशी प्राप्त करने के लिए और थोड़े समय का लेबर प्राप्त करने के लिए जीवन तो मत जिए, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए जिए, अपने मुंह को दिखाने के लिए उसको मुंह दिखाना है उसके लिए जिए, मनुष्य को दिखाने के लिए मत जिए, परमेश्वर को दिखाने के लिए जिए। तब परमेश्वर आशीषित करता है। लोग आशीष होते हैं जब परमेश्वर हमारे पीछे आता है। मालूम है जब यीशु आएगा तो बाइबल किस बात बताती है कि हजारों की भीड़ उसके पीछे चलती थी क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। ठीक है ना। जब शैतान आता है ना तो आकर्षण वाला मसला होता है, लोग उसके पीछे आते तो जरूर हैं लेकिन मर जाते हैं उसके पास आकर के। नशे में आएंगे तो मरेंगे, व्यभिचार में आएंगे तो मरेंगे, बीमारी में आएंगे तो मरेंगे, रोग में आएंगे तो मरेंगे, कर्ज में आएंगे तो मरेंगे, किसी भी चीज में आएंगे मरेंगे, क्योंकि शैतान के पास मृत्यु है और यीशु के पास जिंदगी है, जीवन है। इसलिए जीवन देने वाले के पास जाइए, वो जीवित परमेश्वर है। क्योंकि एक दिन मृत्यु का खुलासा हो जाता है, एक दिन शैतान का खुलासा हो जाता है, एक दिन पता चल जाता है कि हम किसके साथ में खड़े हुए। शैतान के लगता है कि हम प्रभु के साथ में, लेकिन वो शैतान होता है। इसलिए उस परमेश्वर के वारिस बने और उसकी सच्ची आराधना को करें ताकि वो हमको आशीषित करे। मन को बदले, सोचों को बदले। मैं इस बात को बता रहा था कि जकई का जीवन यीशु के साथ चलते चलते बदला। जब यीशु ने कहा है जकई झट उतरा तो जकई नीचे उतर के आया और सिर्फ यीशु के साथ में चल रहा है और चलते 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 घर जाके एक बात कहता है, जो मैंने ले लिया है ना आधा कंगालों को देता हूँ बाकी चौकना फिर देता हूँ। आप सोचो जकई ने अपना बैंक बैलेंस खाली किया, एक की जगह चार रुपए दिए, अब सोचो उसका बैंक बैलेंस खाली हुआ, लेकिन उसके बाद में कहता है कि प्रभु ये जीवन तुझे दिया। तब यीशु कहता है आज इस घर में, जोर से बोलेंगे आज इस घर में, आज इस घर में। यीशु जब साथ में चलते हो ना तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देता है। और उस साथ में चलने का मतलब हम क्या है, बाइबल पढ़ना। यीशु कहाँ है, बाइबल मिलता है, और जब बाइबल पढ़ते हैं उसके साथ साथ चलते हैं रोज, तो मालूम है तब वो कहता है एक हमारा जीवन स्वयं बदलता है। और तब वो कहता है आज इस घर में जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देखा वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देखा वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम
Thank you.
उस नाम को हम और आप जानते हैं, बहुत निकट का नाम है। जिसके निकट आता है ना उसको चंगाई मिलती, मालूम है, वो हमारी और आपकी सुनता है। हेलो, इसलिए प्रार्थना करो, आप नहीं जानते यीशु कौन है और आप नहीं जानते कि प्रभु कौन है, तो बड़ा मुश्किल और कठिन होता है, लेकिन जानोगे आप। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, एक छोटा बच्चा, एक बड़ा बच्चा इसको ही रहने से आओ इसे बस बस तुम भी आओ बेटा, यहां देख पा रहे हो सही दिख रहा, तुम यहां से यू देख पाओगे या यहां से यू देख पाएंगे, समझ पा रहे हो? यदि एक ये अपने बच्ची को दिखाओ, बच्ची बेटा देख पाओगे यहां ऊपर क्या रखा, यहां से ऊपर देख पाओ, नहीं देख पा रहे, क्या रखा आपको नहीं मालूम, तुम देख पा रहे हो, ये हमारे विश्वास का लेवल है। अभी हम यहां पर खड़े ना तो यहां वाला हिस्सा देख नहीं पा रहे, जब यहां पर आ जाएगा तो यहां वाला हिस्सा देखने लग जाएंगे। अभी हमारे विश्वास में कमियां हैं और जरूरत है कि हम अपने विश्वास के स्तर को ऊंचा करें, जरूरत है कि हम अपने विश्वास के स्तर को ऊंचा करें, क्योंकि जब हम इस स्तर पर आकर गिरेंगे जब सारी चीजें आपको साफ दिखाई देंगी तो हम दूसरों को समझा पाएंगे। अभी जब हम खुद ही बच्चे हैं और यहां से यहां पर देख ही नहीं पा रहे तो क्या करेंगे, हम कम समझाने की कोशिश करेंगे, कितना उत्ता बात है, क्योंकि बाकी कहते हैं कि तुम्हारे शब्द होए हो क्योंकि तुम मनुष्य। मेरे प्रियो, आज जब तुम परमेश्वर के भवन में आए ना तो सिर्फ इसलिए आए हैं कि उसको जाने और अपने विश्वास के स्तर को ऊंचा करें, उसकी हाइट को ऊंचा करें, ताकि हम सारी चीजों को यू करके देख पाए। यू करके देखने की जरूरत नहीं जिसमें हम देख ही नहीं पाते, हम आराम से देख पाएंगे जिसमें देखते हैं। तो कहने का ये कि आज जब हम विश्वास के साथ में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर को आशीषित करते हैं और महिमा को हम उसकी कर पाते हैं, उसके नाम की तारीफ कर पाते, उसकी प्रशंसा कर पाते। इसलिए हम लोग मिलकर के प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। अपनी तकलीफों को, अपनी बीमारियों को परमेश्वर के सामने लेकर के आइए, क्योंकि आप समस्याओं में घिरे हुए हैं, बीमारियों में घिरे हुए हैं, दुष्ट आत्माओं में घिरे हुए हैं, गर्ल्स में घिरे हुए हैं, श्रापों में घिरे हुए हैं, अपने बच्चों की तरफ से यूं परेशान है क्योंकि बच्चे परेशान हैं, बीमार हैं, और ऐसी ऐसी समस्याएं अलग सिर्फ की जिंदगी में आपके खड़ी हो गई है कि जिसके निवारण कहीं और नहीं मिल पा रहे, डॉक्टर्स के पास नहीं मिल पा रहे, वैद्यों के पास नहीं मिल पा रहे, तरह तरह की आयुर्वेदिक में नहीं मिल पा रहे, गुरुओं के पास नहीं मिल पा रहे, भक्तों के पास नहीं मिल पा रहे, तरह तरह की चीजों को करने वाले लोगों के पास नहीं मिल पा रहे, तांत्रिक विद्या के पास नहीं मिल पा रहे, लेकिन यीशु के पास सारे इलाज है। और जो यीशु के पास में टर्न होकर के आता है, वापस दौड़कर के आता है, वो आशीषित होता है। यहाँ पर खड़े हुए हर एक व्यक्ति के लिए इंक्लूडिंग मी, प्रभु एक एक को आपके जोर पर हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं, हर एक जीवन के ऊपर अपना अनुग्रह बनाएंगे, हर जिंदगी के ऊपर अपनी दया को करेंगे, अपनी करुणा को बनाएंगे। प्रलय करे पिता परमेश्वर, कदम आपने ही बढ़ाया, क्योंकि हम तो बच ही नहीं सकते थे अपने आप से, क्योंकि हम तो सारे अंधे थे और अंधे कभी भी अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकते, और वह पिता उसके लिए कैसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसके पास में आंखें हो। और करे पिता परमेश्वर, पूरा संसार पाप में डूबा था, अर्थात अंधा था, और ज्योति दिखाने वाला कोई नहीं था, ज्योति वाला कोई नहीं था, आंख वाला कोई नहीं था, लेकिन प्रभु आप ठीक समय पर इस धरती पर आए ताकि हमको आप दिखा सके, हमारी आंखों को खोल सके और हमारे हाथों को पकड़ करके हमको उस अंधकार से, उस मृत्यु से बचाते हुए प्रभु आप हमको जीवन की ओर प्रवेश कराए हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देते हैं, आपने कोई जीवन की ओर प्रवेश कराया, क्योंकि आंख वाले तो सिर्फ आप ही थे, मोदी जीव तो सिर्फ आप ही थे और है आज तक। प्रभु आप हमारे हाथ को पकड़ रहे हैं और हम सब चाहते हैं कि प्रभु आज भी हमारे अंदर के अंधकार को मिटा करके हमारे हाथों को पकड़ लीजिए, ताकि हमारे अंदर का अंधा पन दूर हो सके और मेरे पिता परमेश्वर आशीषित हो सके। आप दया करिए, दया करिए मेरे पिता परमेश्वर, हम आशीषित जीवन को जिएगा, आपकी दया को करेंगे हम आशीष मांगेंगे। हम दुआ करते हैं, हमें बहुत सारे लोग हैं इनके जिंदगी के ऊपर प्रभु आप पहल कर दीजिए, प्रभु इनको चंगा कर, हम इस बात को जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं तुम विश्वास नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। वो व्यक्ति जब पहली बार आता है उसको विश्वास क्या मालूम है, उसको वो तो ये मालूम है कि वो तो जैसे और जगह जाता है वैसे वो चर्च में आया और उसको चंगाई की जरूरत है, और जब वो चंगा होता है तब विश्वास उसका पैदा होता है, परमेश्वर पहल करता है और वो
लोग उसको स्वीकार करते और विश्वास करते और उसके पीछे चलते। हम दुआ करते हैं इन सब की जिंदगी में, हम सब की जिंदगी में पहल को कर दीजिए इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर पिता पहल कर दीजिए ताकि लोग जीवन पाए, चंगाई पाए, छुटकारा पाए और मेरे पिता परमेश्वर उनके जीवन के अंदर जो मुस्कुराहट में वो दब गई है, मर गई है, वो वापस यीशु हमारे जीवन के अंदर मुस्कुराहट कर दे, यीशु हमारे अंदर आनंद कर दे, यीशु हमारे अंदर खुशी कर दे। जब वो आता है तो सिस्टम चेंज होता है। हम सब मेरे पिता मेरा हाथ पकड़ करके इन हाथों के द्वारा प्रभु सामर्थ्य फ्लो करने पाए और लोगों के ऊपर उनकी बीमारियां यीशु के नाम से चली जाए, उनके दुख यीशु के नाम से दूर हो जाए, उनके कर्ज यीशु के नाम से दूर हो जाए, उनके महारोग यीशु के नाम से दूर हो जाए, उनकी लाइलाज बीमारियां यीशु आपके नाम से दूर हो जाए। परमेश्वर पिता अपनी दया को कर दीजिए, उनके अंदर की दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से निकल के भागनीश हो जाए। परमेश्वर पिता अपनी दया को कर दीजिए और एक जबरदस्त फ्लो एक सामर्थ प्रभु इन हाथों के माध्यम से प्रभु लोगों तक फैलने पाए। आपके दूध प्रभु एक एक को छूना शुरू करें, पवित्र आत्मा प्रभु एक एक को छूना शुरू कर दे और लोग आशीषित होने शुरू हो, लोग चंगे होने शुरू हो और मेरे पिता उनको यहाँ तक आने की जरूरत नहीं, उनको उनके स्थानों पर प्रभु छुटकारे मिलने शुरू है, उनको अपने स्थानों पर प्रभु चंगाइयां मिलने शुरू है। पवित्र आत्मा आप सबको अपने हाथों में लेकर के संभालना शुरू कर दो। पवित्र आत्मा इस जगह पर प्रभु अपने काम को शुरू कर दो। पवित्र आत्मा लोगों की जिंदगी के अंदर का माहौल बदलना शुरू कर दो। पवित्र आत्मा लोगों के विचारों का माहौल बदलना शुरू कर दो। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 यीशु के नाम के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा चंगाई लोगों के शरीर में फैलने पाए, यीशु के नाम के द्वारा छुटकारे लोगों को प्राप्त होने पाए, यीशु के नाम के द्वारा घर से लोगों के अंदर से निकलने पाए, यीशु के नाम के द्वारा उनकी निराशाओं के दुख दूर होने पाए, यीशु के नाम के द्वारा वो अपनी जिंदगी के अंदर फैसलों को लेने पाए, यीशु के नाम की सामर्थ के द्वारा उनके जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम करने पाए, यीशु के नाम की सामर्थ के द्वारा उनके अंदर परिवर्तन आने पाए, यीशु के नाम की सामर्थ के द्वारा उनके अंदर एक जबरदस्त बदलाव आने पाए, यीशु के नाम के द्वारा जो बीमार है अस्पतालों में है, सड़कों में है, जंगलों में है, जेलों में है, फुटपाथों में पड़े हैं, तरह तरह की जगह पर प्रभु रोगग्रस्त है, बीमार है, उनकी स्थिति रखने वाला, उनको समझने वाला, उनको पहचानने वाला, उनको खिलाने वाला, उनको उड़ाने वाला, उनको देने वाला, उनको सुनाने वाला, उनके अंदर उनको छल देने वाला कोई नहीं है मेरे पिता। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं और इस बात को बड़े बड़े बोलते हैं, प्रभु क्या तूने मुझे इसीलिए बनाया था, प्रभु क्या तूने मुझे इसीलिए रखा था, प्रभु क्या तूने मुझे इसीलिए आज मैंने दिखाया कि मैं अपने घर से मैं घर हूँ, मेरे पास घर नहीं है, मेरे अपने लोग नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। शायद तौबा करें और आपके पास आ जाए। और कुछ लोग प्रभु ऐसे हैं जो प्रभु अपनी बीमारियों में, अपनी समस्याओं में आज भी प्रभु आपसे रोज फुटपाथ कपड़े में बातें करते हैं, पागल हो चुके हैं, दिमाग चल गया है, अब प्रभु तरह तरह के रोगों में ग्रस्त हो रहे हैं, प्रभु गोली बने हुए हैं और उनके शरीर का मांस प्रभु फटा हुआ है और परमेश्वर उनका शरीर दब रहा है, उनको बेड सोर हो गए हैं, उनकी बीमारियां बढ़ गई हैं, उनके रोग बढ़ गए हैं, उनकी कमर में जलन हो रही है, उनके प्रभु तकलीफें खत्म हो गई है, उनकी कमर का रोग ठीक नहीं होता, उनका स्पॉन्डाइलिस ठीक नहीं होता, उनके सर का दर्द ठीक नहीं होता, उनके पेट का दर्द ठीक नहीं होता, वो प्रभु अपने शरीर के अंदर इतने दुखी हो चुके हैं कि उनका पेट सही नहीं रहता, उनका हाथ पैर सही नहीं रहते, शरीर के अंदर धुकन रहती है, काम दिमाग सही से काम नहीं करता। इन द नेम ऑफ जीसस सब आजाद किए जाए, इन द नेम ऑफ जीसस सब आजाद किए जाए, यीशु की सामर्थ्य को छुए पाए, लोग चंगे हो, ऐसी ऐसी बीमारी से चंगे हो जिसे आज तक नहीं चंगे हुए। इन द नेम ऑफ जीसस एक जबरदस्त अग्नि यहाँ पर फैल पाए, एक जबरदस्त अग्नि यहाँ पर फैल पाए, Okay.
लोग वचन सुने, आशीष पाए, उनकी जिंदगी को यीशु के नाम से मांगते हैं।